दोस्तों, बल्किंग फेज के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि सभी फॉलो कर सकते हैं। आप बिगिनर्स भी, इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट है तब भी, आप प्रोफेशनल एथलीट है तब भी आपके लिए मैंडेटरी है। नंबर वन, आपका वार्म अप सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें, मूवमेंट्स करें, या आप कार्डियो करके अच्छे से वार्म अप करें, मसल्स पूरी बॉडी को रेडी करें पहले ट्रेनिंग के लिए। तो 10 से 15 मिनट इसमें आपने लगाना ही है। नंबर टू, जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी होती है उसमें वार्म अप सेट्स बहुत ज़रूरी हैं। सीधे हैवी वेट पे नहीं जाना है, आपको ये पता होना चाहिए वर्किंग सेट मेरे कौन से, तो उसके पहले वाले सब वार्म अप सेट्स हैं, उनमें 6-6 रैप आप लगा के अपने वर्किंग सेट तक जाएंगे। वर्किंग सेट पे फेलियर रैप पे जाना है, वार्म अप सेट्स पे आपने 4-6 रैप लगाए काफ़ी है। नंबर थ्री, हर ट्रेनिंग में अपने रेस्ट टाइम को फिक्स रखते हुए आपने लोड बढ़ाने के लिए ट्राई करना, या तो लोड बढ़ाएंगे या रेपिटेशन बढ़ाएंगे। सेट एक्सरसाइज अपने लिए टफ करना है, हर ट्रेनिंग को अपने लिए टफ करना है, यही चैलेंज है। सेम वर्कआउट ओवर द टाइम आपको लिए प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, या फिर आप वेट बढ़ाने के लिए अगर रेस्ट टाइम भी बढ़ा देंगे तो गलत है। मैंने बताया कंपाउंड मूवमेंट में 2 मिनट के आसपास रेस्ट रखें काफ़ी है, इसी रेस्ट टाइम में आप अपना लोड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर फोर, आपका पोजिंग बिटवीन सेट्स, आप अपने सेट्स के बीच में कभी कभी मतलब अच्छे से मसल को कॉन्ट्रेक्शन देके फुल पीक कॉन्ट्रेक्शन के साथ अपना पोजिंग जरूर करें। जिस मसल को ट्रेन करते हैं एटलीस्ट उसको जरूर आप पोज करते रहें, इससे आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ेगा, आपका मसल ग्रोथ भी बढ़ेगा। नंबर फाइव, आपका हाइड्रेशन, आप ट्रेनिंग के बीच में पानी जरूर सिप करते रहें। आप चाहें तो इसमें EAA या BCA डाल सकते हैं, नहीं भी डालते तो पानी तो आपको थ्रू आउट द ट्रेनिंग सिप करते रहना है। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, मसल हाइड्रेट रहेगी तो स्ट्रेंथ लेवल भी ज़्यादा रहेगा और आपकी इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नंबर सिक्स, कूल डाउन, ट्रेनिंग के बाद एकदम से चेंज करके घर नहीं चले जाना है। आपने जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल में उसको रिलीव करके, वो स्ट्रेचिंग जो है वो बेस्ट कूल डाउन है। तो ट्रेनिंग के बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग पर जरूर लगाना, इससे आपका मसल फ्लेक्सिबल भी रहेगा, और जितना मसल आपका फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही जल्दी ग्रोथ मिलेगा। नंबर सेवन, आफ्टर ट्रेनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है सप्लीमेंट फीड करने का। जो आप प्रोटीन की बात करते हैं ना, यही बेस्ट टाइम होता है आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी बॉडी को तुरंत अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे सप्लीमेंट फीड करें, क्वालिटी सप्लीमेंट लें, जिससे आपकी बॉडी को जल्दी अमीनो एसिड्स मिल जाएँ, क्योंकि डाइट से भी आपका अमीनो एसिड मिलेगा लेकिन वो उसमें 6-8 घंटे आपको लग जाएंगे और वो जो रिकवरी टाइम है वो आपका स्लो हो जाएगा। तो ये आफ्टर ट्रेनिंग बेस्ट टाइम है आपको प्रोटीन फीड करने का। तो कोई भी अच्छा क्वालिटी प्रोटीन अपने लिए चूज करें, और ट्रेनिंग के बाद जैसे आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए उसके बाद प्रोटीन शिप लेंगे, फिर 1-1.5 घंटे बाद अपनी डाइट ले सकते हैं आप। तो ये 6-7 टिप्स हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप ग्रोथ भी जल्दी होगा, आप इंजरी से ही बचेंगे, और इंजरी से बचेंगे तो जल्दी अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।